अभी जैसे ही मैच खत्म हुआ तो मैंने देखा मुनावर को लेके भी कि भाई तुम तो ऐसे सपोर्ट करते थे कई अपने भाई हैं वो भी गाड़ी गलुच करते बताए कि इसने ये कर दिया वो कर दिया पर मेरे हिसाब से ना भाई ये देखो ये चीज़ें गलत है अब तुम क्या चाहते हो मैं वहाँ पे क्या मुँह लटका के कुत्ते का सा मुँह लेके घूमता रहूँ कि किसी से बातचीत नहीं दूर दूर से भाई चैरिटी मैच था वो अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला था अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम के साथ में बैटिंग कैसे कर ली इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी इंडिया वालों को गाली बख दो कि पाकिस्तान के साथ मैच, मैच कैसे करते हैं तो एनिमी कंट्री है तो जब आप दूसरी फील्ड पर जाते हो जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की तो आपको काफ़ी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं और वो दिखाना पड़ता है स्पोर्ट्समैनशिप कि हम यहाँ पे गेम खेलने आए ना कि एक दूसरे के ऊपर हेटरेडर निकालने आए कि भाई नफ़रत हो गई इसने ये बोल रखा उसने वो बोल रखा अब दस चीज़ें उसके दिमाग में भी होंगी जो उसको मेरी पसंद नहीं होंगी हज़ार चीज़ें उसकी भी होंगी जो मुझे पसंद नहीं होंगी बट ऐसे थोड़ी ना कि दुश्मनी दिखाऊँ वहाँ कुछ करने लग जाऊँ गाली बक दूँ उसको मार पीट मचा दूँ उसके साथ या फिर कुछ गलत सलत कह दूँ भाई सामने वाला बंदा प्यार से बात करता तो मुझे नहीं लगता कि अपने को ऐसे रूड होना चाहिए या फिर खराब होना चाहिए वहाँ पे साथ में गौरव तनेजा भाई भी थे सब थे तो मेरे को बड़ी गलत चीज़ लगी कि पहले तो वो वाला कार्ड आ गया कि भाई ये तो हिंदू बनता था देखो इस हिंदू को ये हो गया अब किसी से मिलने से किसी से दो बात आराम से करने से मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि मेरे हिंदू होने पे कोई फ़र्क पड़ता है या फिर मैंने किसी को ठेका दे दिया कि भाई तू बता मेरे को कि मैं हिंदू हूँ या फिर मैं नकली हिंदू असली हिंदू इस चीज़ का तो बड़ी गलत चीज़ लगी मेरे को ऊपर से सुबह सुबह कई रिकॉर्डिंग भी सुनी मैंने स्पेस वगैरह की मैं सो रहा था सुबह उठा मैं कि ऐसे ऐसे भाई गलत गलत तुमने ये करा वो करा गाली गलोच चल रही है उसमें तो बहुत गंदी गंदी गाली चल रही है तो मैं एक चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू आप सब लोगों को बताऊंगा कि सपोज कटारिया है कटारिया को मैं अपना भाई मानता हूँ कटारिया कोई ऐसी चीज़ करेगा जो मेरे को पसंद नहीं आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं दुनिया भर में बैठ के ढिंडोरा थोड़ी पीट